नाम करते बस हम किया चुके हैं। इतना कहते ही सारी आसक्ति चली गई, हम लोग की शरणागति की कमी है इसीलिए दुर्दशा हो रहा है। जब तक शरणागति नहीं होगी तब तक भजन प्रारंभ भी नहीं होगा। इसलिए भजन प्रारंभ के पहले केवल एक ही चीज है, क्या? शरणागति, श्रद्धा, श्रद्धा में विश्वास, विश्वास मेरे कृष्ण ही हमारे सब कुछ है, बस यही शरणागति। शरणागति के बिना सब कर्म वैसे ही निष्फल हो जाते हैं। षडंगो शरणागति होइ वे जहार तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। जब तक शरणागति नहीं होगा तब तक आपका प्रार्थना स्वीकार नहीं किया जाएगा। बस शरणागति क्या है? बस मैं प्रभु का, हम प्रभु का, हम प्रभु हमारे, यही तो शरणागति। बस दो ही अब हम प्रभु के हो गए तो प्रभु के विजातीय तत्व तो अपने आप छूट गए, हम केवल प्रभु के, और सजातीय चीज प्राप्त हो गया। यही है आश्रय अवलंबन। तो यहाँ आज प्रियालाल, देखिए ये हम लोग चर्चा जो कर रहे हैं प्रियालाल के नित्य भाव की, आज क्या है, केस संवारने के बाद प्रियालाल मत वाले मद मत की तरह समर युद्ध कर रहे हैं। प्रियालाल का विहार चल रहा है, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी उस रस का स्वादन कर रहे हैं। ये दोनों मत वाले हैं प्रियालाल, प्रेम रस में उनके नेत्र से नासा फूट से केवल रस की वर्षा हो रही है। प्रियालाल प्रत्येक अंग अंग में रस की वर्षा, प्रेम की रस की वर्षा। आज मैं देखे रस मतवारे, दोनों दो भट्ट प्रियालाल है रस में उन्मत्त होकर के एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अरत परस परमाते गजलों, मतवारी हाथी जैसा युद्ध हो रहा है, समर युद्ध, स्मर युद्ध प्रियालाल का नित्य गया है। सखी मंजरियां टेरत नेक उठा है, दोनों एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते। घूंघट अगड़ रुके नहीं सजनी, घूंघट अगल अलग रुके नहीं सजनी, रहे न न्यारे न्यारे। दोनों एक दूसरे से हट नहीं रहे, सखी मंजरियां कुंज रंध्र से इस लीला का स्वादन कर रही। मिले रहे बस कुसुम सेज पर, मिले रहे बस कुसुम सेज पर, सुभत सुभ सुभत अघारे। यही है प्रेम, कभी प्रेम में अघाता नहीं, लेकिन प्रेम में और काम में ही अंतर है। काम अंधतम है, दुखदायी है, तत्काल दुख प्रकट कर दिया। प्रेम में प्रेम की तृप्ति होती नहीं, प्रेम नित्य वर्धनशील, नित्य नवायमान है, घटता नहीं बढ़ता ही रहता है। मतवाली हाथी जैसे दोनों उन्मत्त प्रेम रसिक, दो दो चातक, दो दोनों चंद्रमा, दो चकोर दो चंद्रमा, उस प्रेम रस में उस मतवाले हाथी को कौन बांध देता है, कौन रोकता है? आप तो हाथी देखे हैं, नहीं देखे ना? अंकुश, अंकुश रोकता है। कौन अंकुश कौन चलाता है? महावत। लाज महावत निकट नयावत, महावत है प्रेम, दोनों प्रेमी के बीच में महावत कौन है? लाज, लज्जा। लेकिन उस समर युद्ध में लज्जा आ नहीं रहा। लाज महावत निकट नयावत, अंकुश लगत कहारे। जब महावत ही नहीं तो अंकुश क्या काम, क्या काम? अकुंज रंग से प्रियालाल का नित्य विहार चल रहा है। रूप रसिक दो प्रेम सु रस भरी,
सखी मंजनिया कुंज रंध से उस रस को, ये मतवाले दोनों मतवाले रस को उड़ेल रहे हैं, और उस रस को पान कौन कर रहा है? रघुनाथ दास गोस्वामी। तुलसी मंजरी कुंज रंध से इस रस को पान कर रहे हैं। आज मैं देखे रस महतवारे, आज मैं देखे रस महतवारे, लड़त परस पर माते गजलों। मतवाली हाथी की तरह प्रियालाल का स्मर स्मर युद्ध है, स्मर प्रेम का युद्ध। प्रेम जो जानते हैं ना, मन को अधिक सेवा करो, वो कहते हैं हम उनकी सेवा करो, ऐ सेवा ये सेवा प्रेम रस का सेवा है, हम प्रिया जी को सेवा कर, प्रिया जी सोते हम श्याम सुंदर को सभी का, ये प्रेम इस काम नहीं है, ये प्रेम। लड़त परस पर माते गजलो, थर तन ने कंटारे, घूंघट अलग रुके नहीं सजनी, घूंघट अलग रुके नहीं सजनी, रहे न्यारे न्यारे। यही यही क्या है, लटकत यावत कुंज भवंते धुरी धुरी परत राधिका पावे, यही प्रियालाल का विहार है। जुगल के उलझन पे बैली जई हाँ, जुगल के उलझन पे बैली जई हूँ, कर से कर गर से कर उलझे उलझे हिया हो। प्रियालाल है, मिले रहे बस कुसुम से जबर, अरे चुवत सुमद आघारे, उस मद से सखी मंजरियां आघा नहीं आघा नहीं रही, उस मत वाले उस समय उस मत मत हाथी जैसे उन्मत रस को उड़ेल रहे हैं, उस रस को अब रुक नहीं सकता है। इस मदमत हाथी का महावत ही नहीं आ रहा है, हाथी को कौन लज्जा है ना, लज्जा नहीं आ रहा, लाज महावत नहीं कठन आवे, लाज महावत नहीं कठन आवे, अंकुश लगत कहाँ रे। महावत ही तो अंकुश चलाता है ना, कौन चलाता है, महावत नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा, नहीं होगा। रूप रसिक दो प्रेम सुरस भरी, मिलतन को हारे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे क्या करता है, महाप्रभु को बढ़ा देता है, अब बढ़ जाए तो घटा देता है, अंकुश। महामंत्र क्या है, हाथी को तेज चलाना है तो अंकुश मारेंगे तो तेज चले, और तेज चल रहा है तो अंकुश मारेंगे तो रुक जाएगा, कहते हैं ना।
महावत को यदि हाथी को बढ़ाना है तो क्या करता है, अंकुश को मारता है, पेट मारना है, और रोकना है तो क्या करेगा, अंकुश ही मारेगा ना, वही बाप है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। इस प्रेम रूपी संपत्ति का नींव है महामंत्र ठाकुर जी का नाम, और शिखर है, नींव है क्या है, महामंत्र ठाकुर जी का नाम। नाम रूपी नींव पर लीला चलता है, और उस लीला का झंडा कौन है, कौन बताएगा, लीला का झंडा महामंत्र। नाम ही नींव है और साध्य साधन भी नाम है, और साध्य भी नाम, नाम से ही लीला में प्रवेश किया जाता है, और जब बहुत ऊपर चढ़ गए तो रोकेगा भी नाम, बस ये गौर महाप्रभु की लीला है। जब महाप्रभु महाभाव में चले जाते थे, भूल जाते थे अपने आप को, तो कीर्तन किया जाता तो लौटा लौटा दुई साखी दोनों तरफ देना। अब बीच में क्या है, बीच में नाम बाप, कौन बताए, लीला ने नाम लीला उला लीला नाम पर ही टिप, नाम नहीं तो लीला है, कोई कुछ नहीं केवल नाम, बस नाम भजो नाम चिंतो नाम करो सार, नाम है कि सर्व सिद्धि है कि सर्व, ये जो राधा माधव की लीला है ये नाम ही, बस प्रिया लाल प्रिया नाम ही तो है, कौन है इसी को लीला 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 का अर्थ होता है लीयते इति लीला, जो अपने आप में समेट ले उसका नाम है लीला, देखने से जो अपने आप में खींच ले वही लीला है। अभिन्नत्व नाम नाम इन कृष्ण में और नाम में कोई अंतर नहीं, हरे कृष्ण कोई कर रहा है कोई लीला चिंतन कर रहा है तो दोनों में थोड़ा सा भी अंतर नहीं, ये की चीज है, ये मत समझना कि नाम रट रहा है ये छोटे क्लास का है तो लीला चिंतन कर रहा है बड़े क्लास का, ऐसा कभी मत समझना, दोनों एक ही चीज, लेकिन नाम में अंतर है, कोई नाम रटता है संसार के लिए कोई दशा के लिए, कोई नाम रट रहा है मन कहीं और है। नाम रटने में दो तरह का होता है, एक सत्संग होता है प्रिया जी की लीला के साथ नाम सर स्मृति नाम लीला ठाकुर जी का नाम, नाम में लीला है ना, हरे कृष्ण लीला है, दोनों में चल रहा है, हरे कृष्ण लीला है, हरे कृष्ण वाह श्री चैतन्य महाप्रभु जब नाम रटते थे तो नाम निकलता था, नाम रे नाम कृष्ण बन जाता था, नाम राधा रानी बन जाता था, चलता था यही नाम हरे कृष्णा। अरे कलयुग में लीला होना कुछ नहीं, नाम क्रम में मत पढ़ना, ये मत समझना कि लीला हो, नाम ही लीला नाम है, सब कुछ नाम, बिना नाम का कुछ नहीं, नाम छोड़कर लीला देखो लीला संसार हो जाए, लीला छोड़कर नाम रटो लीला अपने आप आ जाएगा,
इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर बच्चे हैं, सुमरी ये नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय समीर विषय। सुमरी ये नाम रूप बिनु देखे, बिना लीला देखे नाम रटना, वो लीला अपने आप आ जाए। नाम को छोड़कर लीला दे रूप देखोगे तो रूप ही तुमको विषय हो जाएगा, संसार में फसा देगा, नाम रूप के चक्कर में पड़कर फिर नीचे गिर जाएगा। इसलिए आचार्य लोग कहते हैं बस नाम रटना है, चित्त शुद्ध है नहीं लीला स्मरण करोगे लीला ही तुझे पतन जगा दे। इसीलिए केवल नाम 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 बिना कुछ नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि भगवान की लीला देखने की थोड़ी सी भी मन में इच्छा है तो क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। लीला में विरह, लीला में क्या है? लीला, कोई भी लीला करेंगे तो पर्दा गिरता है, स्नान लीला चलता है तो पर्दा गिर जाए, फिर श्रृंगार लीला चलेगा पर्दा गिर जाए, है ना? लीला में पर्दा है, अब पर्दा को कौन खोलता है? भगवान ठाकुर ने कहा, मिलता संजोग करता बंद डालता है। इसी को महावाणी में लिखा गया है, श्री हरि प्रिया नीरम तर रसना रटत नाम नित तेरो। लीला का आधार है नाम, बस नाम चलता रहेगा लीला चलता रहेगा, नाम बंद हो जाएगा लीला बंद हो जाएगा। इसलिए महात्मा लोग जप करते हैं और लीला का स्मरण करते हैं। लीला यदि भग भी जाए तो नाम को पकड़े तो लीला बार बार आ जाता है, नाम को पकड़े गए और लीला चिंतन करते हैं तो लीला भग जाता है कभी कभी, तो फिर ये नाम खींच कर लाते हैं। इसलिए पकड़ना क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। गोस्वामी तुलसीदास जी का है, प्रियालाल के निवृत्त निकुंज की लीला देखने की मन में थोड़ी सी भी इच्छा है, जाना सहज गूढ़ गति जीव। प्रियालाल का नित्य विहार देखने की इच्छा है तो क्या करें? जी है नाम जपी जा नहीं देव, जी है नाम जपी जा नहीं देव। उस लीला में प्रवेश कराने की सामर्थ्य किसमें है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे माँ है, बच्चा पूरा शरीर में गंदगी लपेट कर आता है तो माँ क्या कर कहती है? तुम स्नान करके आओ तब मेरे पास आओ, कहती है कभी? अब बाप कहेगा जरा सर, माँ को सर जाओ, बाप कहता है ना जाओ जाओ स्नान कर, माँ कहेगा तेरे को गंदा कर लिया है माँ बाप साहब। नाम प्रभु यही, तुम गंदगी में हो ना, गंदगी में कीचड़ में लगे हुए हैं, काम क्रोध मद लोभ ये कीचड़, उस कीचड़ से निकाल कर नाम प्रभु उस निकुंज में ले जाए। आप सोचे कि हम खूब साफ होकर तब नाम रटेंगे, तब तुम नहीं कभी ना, हम काम छोड़ देंगे क्रोध छोड़ देंगे तब नाम रटेंगे, जीव में इतनी ताकत है कि काम छोड़ दे,
हम आपको लोभ है, जब तक लोभ छूटेगा नहीं कैसे हम नाम रखेंगे। लोग कहते हैं कि अरे चित्त शुद्ध हुआ नहीं नाम रखता है, ऐसे होगा कहीं? माँ कभी कहते हैं स्नान करो तब हमारे पास आओ, वो छोटा बच्चा है मल में सड़ना हुआ है रो रहा है तो माँ क्या करेगी? वो उसको स्नान कराएगी, अच्छा कपड़ा पहनाएगी, पाउडर लगाएगी, तिलक लगाएगी, फिर गोद में श्याम सुंदर की गोद में देगी, यही नाम करो करते। तो जहाँ है जिस परिस्थिति में है कोई चिंता की बात नहीं, कुछ चिंता की नहीं, केवल एक ही चिंता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। एक प्रश्न आया, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। हरे कृष्णा जय श्री राधे, इस पर जो लिखा है मैं पढ़ता हूँ। जय श्री राधे। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। अब तैयार हो जाए, जिज्ञासा आप लोगों के पास आ रहा है। जिज्ञासा है, अय नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मे भवान बुधौ, कृपया तव पाद पंकज स्थिल धूल स्थित धूलि सदृशम विचिंत। ये प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर कौन कौन देगा? धूलि सदृश का क्या तात्पर्य है, आप कृपा करके बताने की कृपा कीजिए। धूलि माने क्या होता है? माया। एक कौन माया कहा? अब बताए धूलि क्या होता है? चरण रज। चरण रज ना, और कौन बताएगा? धूलि सदृश का क्या तात्पर्य? भक्त कहता है कि आप कृपा करके अपने चरण का धूलि के सदृश हमको समझिए। धूलि के सदृश क्या? धूलि जैसा, पर धूलि जैसे क्या है? सब लोग बता दे, महाराज जी आप कृपा करें। दास। और निम्न लिखते रहिए, किसका प्रश्न है अपना हम नहीं जानते, किसका प्रश्न है आप लोग लिखते रहे, उत्तर सब मिल रहा है, उसमें जो आपको अच्छा लगे स्वीकार कर लीजिए। और कौन बताएंगे? बहुत सुंदर सुंदर भाव, यही है भाव। और कौन बताएंगे? माता जी लोग नहीं बताएंगे कोई ना? ईश्वर आयुष जीव अविनाश। हाँ, धूलि सदृश विचित्र है, वाह। जिसको जो अर्थ लगा अपना लेवाइए, क्योंकि शास्त्रों का एक अर्थ नहीं होता है, एक ही स्वाद एक ही जल गिरता है केला में कपूर बन जाता है, जानते हैं ना? वो एक ही जल सर पर गिरेगा तो मणि हो जाएगा। तो भागवत का श्लोक है, गीता का श्लोक, एक ही श्लोक का हजारों टीका है। विशिष्टाद्वैत वाले कहते हैं मेरा ठीक है, द्वैताद्वैत वाले कहते हैं मेरा ठीक है, शुद्धाद्वैत वाले कहते हैं मेरा ठीक है, चिंत भेदाभेद वाले कहते हैं मेरा ठीक है। अरे भगवान कल्पतरु है, ये भागवत का श्लोक है, ये महाप्रभु का वाक्य है, वो कल्पतरु। जो भक्त को जैसा भाव लगावे करे, श्री चैतन्य महाप्रभु किस भाव से कहे हैं वो तो महाप्रभु ही जानते हैं। इसलिए जीव गोस्वामी पाद टीका में लिखने के पहले कहते हैं वही कृपा करके अपना अर्थ दिखा दे, जीव के बस की बात है कि महापुरुषों की वाणी को कोई अर्थ लगा दे। किसी जीव में ताकत नहीं उनके अर्थ, वही कृपा कर दे। और कृपा कब करेंगे?
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. यह मत समझिए कि मैं अपना विचार आप लोगों पर थोप रहा हूँ। मैं अपना विचार कभी थोपता नहीं। हम बार बार हरे कृष्ण कहता हूँ। ये मेरा अपना विचार नहीं। कोई मत समझ। ये सब महापुरुषों का विचार। सब महापुरुषों को मैं देखा, सभी संप्रदाय में सभी महापुरुषों नाम को पकड़कर रखे। आपको विश्वास नहीं तो कोई आप प्रश्न लिख लीजिए और नाम रखिए, आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। सब महापुरुष लोग जितना टीका लिखे नाम के बल पर ही टीका लिखे। तो इसका अर्थ हो गया कि और कुछ करना है। शब्द सब महापुरुष लोग बताए, आप बताइए सर धूल का क्या अर्थ होता है? तो अपने रज की तरफ मुझे माने। महाप्रभु कह रहे हैं श्याम सुंदर से, अई नंद तनु, ए नंद का लड़का बेटा, हम आपके किंकर हैं। आयुष भव रूपी समुद्र में गिर गए, पतित हो गए। हम आपका नित्य दास है, आपके चरण के धूलि में रहने वाला आपका नित्य सेवक। लेकिन हमारी दुर्दशा क्या हो गया है, ये विषम भव समुद्र में गिर गया। अई नंद तनु किम करम पतितम माम विषमे भवाम। ये कैसा समुद्र है कि इसे कोई पार नहीं निकल सकता। जब तक आप नहीं निकालेंगे किसी की ताकत नहीं है निकलेंगे। समुद्र में कोई गिर जाए सोचे कि मैं तैर करके पार हो जाऊं तो कोई पार नहीं हो सकता। यही कह रहे हैं महाप्रभु, हम कितना भी पैर हाथ छटक पाऊं इस भव सागर से पार नहीं हो जाए। भगवान की माया इतनी प्रबल है इसे कोई पार नहीं पा सकता। साक्षात श्री हरि कहते हैं मम माया दुरत्या, हमारी माया से ब्रह्मा इंद्र वरुण कुबेर शिव विरंच को मोह ही को है बपुरा। आपका नित्य दास, आपका नित्य किंकर पतितम माम विषमे भवामुदय, विषम भव सागर में गिर गया। आप कृपा करके इस दुष्ट जीव पर, इस पतित जीव पर पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचे। पता नहीं आप हमारा अर्थ आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं। हमारा अर्थ तो नहीं, हम अपना अर्थ ऐसे तो आप बताइए ये स्थितम धूलि का क्या अर्थ। आपने कहा दास रज ईश्वर अंश जीव, आपने कहा सब। तो बस हे प्रभु आपके कृपा से इस भव सागर में मैं, आप अपना समझ करके मुझे उधार दीजिए। यह माया अति बरजोर ब्रजराज किशोर, आप जब तक नहीं चाहेंगे जीव में ताकत नहीं है कि माया से पार हो जाए। साधन से पार नहीं होता। अब साधन से कोई कैसे पार हो जब तक कृपा न हो जाए, ठाकुर जी आकर ले न जाए, इस भवसागर से निकलने से। अच्छा दूसरा प्रश्न है, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है ऐसी कौन सी प्रार्थना अथवा स्तुति करूं जिससे रूप मंजरी प्रसन्न हो जाए। वाह और कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। यही प्रार्थना ये स्वयं महाप्रभु कहते हैं कि आपने अपने नाम में समस्त शक्ति रख, जितनी प्रार्थना है आज तक सृष्टि में, भागवत में जितनी स्तुति है, जितनी प्रार्थना है, जितने महापुरुष जो जो प्रार्थना किए हैं उन समस्त प्रार्थना की शक्ति भगवान के नाम में। महाप्रभु कहते हैं नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति। लेकिन दुख की बात है कि उस प्रार्थना करने का मन नहीं करता, नुरागा नाम रटने की इच्छा। दूसरा प्रार्थना खोजता है, खोजो कहीं मिल जाए तो मुझे भी बता देना।
नाम छोड़कर कोई प्रार्थना नहीं। यदि रूप मंजरी को कोई प्रसन्न करना चाहता है तो एक ही प्रार्थना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। यही सब महापुरुष लोग इसी प्रार्थना को किए, नाम जप जप के लोगों ने पाई गई, उस मंजरी भाव को प्राप्त कर लिए, को नाम रख लिया। हरदास ठाकुर कैसे मंजरी भाव को प्राप्त कर लिए कौन बताएगा? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कैसे प्राप्त कर ली? नाम रूप गोस्वामी पर। जितने भी महापुरुष हैं वो सब महापुरुषों ने नाम रट करके उस रस को प्राप्त कर। अच्छा, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है और तीसरा प्रश्न है, भक्ति जथा हरौ निस्ति क्या है तद वरिष्ठा गुरु जनि ममास्ते न सत्य न संदर्शयतु मे हरे। गुरु में दृढ़ भक्ति कैसे उत्पन्न? नाम से ना हो जाएगा ना, नाम से उसकी आज्ञा पालन करना। कौन बताया? आज्ञा पालन करना। और बताइए, दोनों को बराबर मान के उनकी सेवा करने पर ही गुरुदेव प्रसन्न होंगे और फिर निष्ठा बढ़ेगी। तो ये कह रहे हैं गुरु में दृढ़ भक्ति कैसे हो? जैसे शरण और कोई बताइए। गुरु को भगवान जैसा समझकर उनकी बात पर विश्वास, जैसा नहीं भगवान ही है, भगवान ही है। और आपने कृपा करेंगे आपने कृपा जीवे रहो विस्तार लागी नंद सूत हरे रोज गाते हैं इसीलिए रोज सुबह सुबह गाते हैं जीवे रहो निस्तार लागी नंद सूत हरि आ भुवने प्रकाश हन गुरु रूप धरी।